पीएम मोदी ने 22 दिसंबर को वाराणसी में पीएम मोदी 22 दिसंबर को वाराणसी में करेंगे मेरी काशी पुस्तक का विमोचन। पिछले ढाई सालों में केंद्र के कार्यों और योजनाओं का किताब में है जिक्र। कैश ट्रांजैक्शन को महंगा कर सकती है सरकार। एटीएम और बैंक से पैसे निकालने पर लग सकता है विथड्रॉल चार्ज। कैश पेमेंट पर भी टैक्स लगाने की तैयारी। छोटे कारोबारियों के लिए सरकार से बड़ी राहत। 2 करोड़ तक के कैशलेस टर्न ओवर पर मिलेगी टैक्स में छूट। अनुमानित आय 8% की बजाय 6% मानी जाएगी। नोट बैन को लेकर राहुल गांधी का फिर सरकार पर वार। बार बार नियम बदलने पर उठाए सवाल। पीएम के शब्दों को बताया खोखला। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में भारत की ऐतिहासिक जीत। पारी और 75 रनों से दी करारी शिकस्त। पहली बार 4-0 से जीती कोई टेस्ट सीरीज। टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर टीम इंडिया। रूसी राजदूत आंद्रे कार्लो की हत्या का सामने आया नया वीडियो। अंकारा में आर्ट गैलरी में 22 साल के शख्स ने चलाई थी गोली। हमलावर एक पुलिस अधिकारी। आईएसआई ने तालिबान के साथ मिलकर बनाया कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने का प्लान। खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की पश्तो भाषा में हुई बातचीत। पीओके में लॉन्चिंग पैड पर देखे गए अफगान मूल के आतंकी। और 2016 में किस हीरोइन ने किया बॉलीवुड पर राज। दीजिए अपनी राय। वोट करने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट india247.online पर। अपनी पसंदीदा हीरोइन के नाम पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। साल 2016 में किस हीरोइन ने किया बॉलीवुड पर राज। दीजिए अपनी राय। लीजिए हमारे ऑनलाइन पोल में हिस्सा। वोट करने के लिए लॉगिन करें india247.online पर। अपने पसंदीदा हीरोइन के नाम पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। किस अभिनेत्री को मिले सबसे ज्यादा वोट। आपकी पसंदीदा हीरोइन ने बाजी मारी या नहीं, जानने के लिए 1 जनवरी को देखिए हमारी वेबसाइट www.india247.online।